सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक सिंपल सी मैथ्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें का फाइंड क्यू सच दैट द रूट्स, फोर रियल रूट्स आर इन ए बी। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है फोर्थ पावर की, एक्स पावर 4 -40x² प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो इसके इसमें क्यू की वैल्यूज ढूंढनी है, जिसके लिए जो रूट्स है वो चार हो रियल और वो एपी में हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम कर क्या सकते हैं कि एक तो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पावर 4 और पावर 2 के ही टर्म्स है। तो अगर मैं एक ऐसा सब्सटीट्यूशन करूँ कि यू इक्वल टू x² और वो लिख के से वापस बन इक्वेशन को लिखूँ, तो नई इक्वेशन बन जाएगी u² -40u + q = 0। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसे रिड्यूस कर दिया एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब सपोज एक तो यहाँ पे फोर रियल रूट्स होने चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें रूट्स मिलते हैं R1 और R2। तो बेसिकली यू किसके इक्वल था x² के, तो x किसके इक्वल होगा, √u। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन के रूट्स ए बी सी डी है, तो ए होगा √R1 के बराबर, मतलब इसके रूट्स होंगे √R1 -√R1, √R2 -√R2। क्योंकि बेसिकली इसके बिहाइंड रीजन क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस और माइनस आ जाता है। तो मैंने प्लस और माइनस करा तो √R1 एक वैल्यू हुई और √R2 √R1 एक वैल्यू हुई और -√R1 दूसरी वैल्यू हुई। तो बेसिकली ऐसे चार वैल्यूज मिल गई हमें। अब हमारी कंडीशन क्या है कि ये सारे रूट्स रियल होने चाहिए और फोर होने चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहला रियल होने चाहिए रूट्स, तो R1 पॉजिटिव होना चाहिए और R2 पॉजिटिव होना चाहिए। रीजन क्या है, √ नंबर रियल नहीं होगा। सो इधर ये देखते हुए कंडीशन हमारी बन जाती है कि R1, R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और सेकंड बात कि जो ये 40 वाला टर्म है ना, 40 किसके इक्वल है, R1 + R2, और वहीं क्यू है R1 R2 के बराबर। रीजन क्या है, सिंपल सा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा होता है कि ये जो टर्म है वो बेसिक, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो -b/a के बराबर होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो c/a के बराबर होता है। तो वही देखते हुए ये दो इक्वेशंस बनी। और वहीं अगर ये सभी एपी में है और मैं एक अजम्पशन मान लेता हूँ R1 > R2 > 0, ठीक है, R1 को मैं R2 से बड़ा मान लूं, तो मुझे ये पता है कि √R1, जो कि इसका एक रूट है, वो बड़ा है ये वाले रूट √R2 से, और √R2 के बाद आएगा -√R2। रीजन क्या है कि नेगेटिव साइन लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज की, तो R2 छोटा है तो भी, सॉरी यहाँ पे आएगा -√R1 - √R2। यस, रीजन क्या है कि बेसिकली
हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। R1 को मैं 16 बोल दूं और R2 को मैं 9 बोलूं, तो देखो ये क्या बना, 4, ये बना 3, ये बना -3, ये बना -4, क्योंकि नेगेटिव में इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाती है, वही है रीजन बस। सो यही देखते हुए ये इनइक्वालिटी हमारी बनी। सो बेसिकली ये AP में है, इसका मतलब क्या, ये सब ही AP में है, इससे मतलब क्या निकल रहा है कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ R2 में एक नंबर D ऐड करूँ तो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ R1 मिलेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R2 में भी मैं कोई नंबर D ऐड करूँ तो मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ R2 मिलेगा। तो ऐसे सिमिलर वे में मैं जाऊं तो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इससे मैं ये कह सकता हूँ कि सपोज मैंने इधर यहाँ पे मैंने डी ऐड किया और मुझे ये मिला, और इधर मैंने डी ऐड किया तो मुझे ये मिला, और यहाँ पे मैंने डी ऐड किया तो मुझे ये मिला, क्योंकि ये AP में है तो उसकी ये कंडीशन बन गई। तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ R1 है किसके बराबर, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R2 में आप स्क्वायर रूट ऑफ R1 में आप +3D कर दो। D क्या है, AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो। तो इधर से हम देखे तो 2√R1 = 3D, तो R1 = 9D² / 4, पहला एक रिलेशन मिला। और वहीं दूसरा रिलेशन हम जो फॉर्म कर सकते हैं वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ R2 क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ R2 +D, तो इधर से मिला 2√R2 = D, तो मिला R2 = D² / 4। और हमने एक रिलेशन बनाया था कि R1 + R2 = 40। इस रिलेशन में हम ये पुट करें तो हमें मिला कि 10D² / 4 must be equal to 40। एक जीरो दोनों साइड से कैंसिल आउट किया तो डी मुझे फाइनली मिला 4 के इक्वल। डी को हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि बेसिकली नेगेटिव ले लेंगे तो बस एक चीज हो जाएगी कि उस केस में R2 बड़ा होगा R1 से, नेगेटिव लोगे तो, और पॉजिटिव लिया तो बेसिकली R1 ग्रेटर हुआ R2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव लो या नेगेटिव मेनली। सो बेसिकली इससे हमें मिला कि R1 किसके बराबर है, 9 × 4/4, यानी R1 तो 9 के बराबर आ गया, सॉरी 9 × 4 के बराबर आया, दैट विल गिव मी 36। और वहीं R2 किसके बराबर आ गया, देखो 4² 16/4, तो ये आया 4 × 4/4, दैट इज 4। और जो टर्म Q है जिसके लिए हमें ये सब ढूंढना था वो किसके इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के, तो 36 × 4 दैट इज 6 × 2² दैट गिव्स 144। तो जैसे कि Q अगर 144 के इक्वल है तो बेसिकली मैं ये क्या कह सकता हूँ कि पहला तो 4 रियल रूट्स होंगे, पहली बात हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी, और दूसरा वो सब AP में हुए। ओके, अब बेसिकली ये प्रॉब्लम सिंपल सी थी, जस्ट बेसिकली पहले तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन U = X² लेके रिडक्शन कर दिया डिग्रीज में, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, और मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को R1 और R2 कहा, तो बेसिकली जो एक्चुअल रूट्स है वो होंगे √R1 √R2 −√R1 −√R2। तो उससे मेरे को 4 रूट्स मिले और उन्हें सॉल्व करके मैंने ये इक्वेशन बना दी। ओके, बाय एवरीवन।